हेलो फ्रेंड्स इट्स शानजा एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट मैमल्स जिसमें से मैंने दो को डिस्कस किया था क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही थी इसलिए हमने वीडियो को किया शॉर्ट और हमने आज थर्ड इम्पोर्टेंट मैमल ऑफ पाकिस्तान को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर तो हमने दो तो पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट मैमल्स को पहले एक वीडियो में डिस्कस किया और आज जो रिमेनिंग पाकिस्तान के टोटल इंपॉर्टेंट मैम्स जो जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैमल्स हैं वो पांच हैं जिनमें से दो मैंने डिस्कस किए पिछली वीडियो में और तीन डिस्कस करूंगी आज की वीडियो में तो चलिए जी वक्त ज़ायर कि बिना ही आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी सारी न्यू नोटिफिकेशन टाइम से फॉरन रिसीव हो जाए ठीक है तो चले जी थर्ड हम इंपॉर्टेंट मैमल देखते हैं पाकिस्तान का बेटा तो वो है वाइल्ड कैंडेट वाइल्ड कैंडेट भी आप कह सकते हैं इसको और वाइल्ड डॉग्स भी कहते हैं जिसको आप सिंपली अगर कहें तो जंगली आ, जंगली कुत्ते कहते हैं अगर हम बात करते हैं कि ये एक जो है इसका एक और नेम अगर हम कहें तो वो ग्रे इसको कहा जाता है ठीक है जिसको अगर साइंटिफिक नेम देखें तो कैनिस लिपस कहा जाता है उसके अलावा सिंपली जो हम लोकल नेम देते हैं पाकिस्तान के थ्रू हम उर्दू लैंग्वेज में अगर हम देखें इसका एक लोकल नेम क्या है तो इसको हम भगयाड़ कहते हैं उर्दू ज़ुबान के अंदर तो आपने सबने भगयाड़ तो देखा ही होगा अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं इस वीडियो के थम देर में आपको ज़रूर नजर आ जाएगा ठीक है जी ओके जी तो हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में कि जो भगयाड़ है ये जो वाइल्ड कैंडड है वाइल्ड डोग है इसकी डिस्क्रिप्शन इसकी अपेयरेंस वगैरह कैसी होती है तो ये लार्जेस्ट वाइल्ड कैनिड है पाकिस्तान के अंदर भगयाड़ ठीक है उसके बाद अगर हम इसकी फर देखते हैं कि इसकी जो ऊपर वाली आ, स्किन होती है वो कैसी है तो वो बड़ी थिक होती है और उसका कलर जो है वो ग्रे इन कलर होता है उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि ग्रे ही कलर हो बल्कि कलर इसका वेरी कर सकता है प्योर वाइट भी हो सकता है रेड ब्राउन भी हो सकता है और वो ब्लैक कलर भी हो सकता है इट्स मीन कि वाइल्ड कैंडिड यानी भगआट की स्किन का कलर उसकी फर का कलर जो है वो वेरी कर सकता है और ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रे ही हमेशा हो क्लियर हो गया देन सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन का कि भगयाड़ जो हैं वाइल्ड कैंडिडेट्स जो हैं इनका रिप्रोडक्शन जो मेटिंग टाइम होता है मेटिंग सीजन होता है वो यूजली कौन सा होता है तो मेटिंग टाइम या सीजन की अगर बात करते हैं तो भगयाड़ का मेटिंग सीजन जो है वो जनवरी से अप्रैल का होता है हाउ जो गेस्टेशन पीरियड होता है फीमेल फीमेल कैंडिडेट का फीमेल डो का तो वो कितना है गेस्टेशन पीरियड सिक्सटी टू सिक्सटी डेज का होता है ठीक हो गया थर्ड पे हम बात करेंगे बेटा सोशल बिहेवियर का के भगयाड़ का यानी कि वाइल्ड कैंडेड यानी जिसको हम वाइल्ड डो कहते हैं इसका सोशल बिहेवियर क्या होता है क्योंकि भगयाड़ एक पैक लिविंग एनिमल है इट्स मीन कि इसकी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बड़ी ही कम्प्लेक्स होती है ये पैक फैमिली ग्रुप्स होते हैं पैक फैमिली ग्रुप का मतलब होता है कि जो वाइल्ड कैंडिडेट्स होते हैं ये दो तीन करके नहीं फिरते कि दो तीन करके पांच छह करके नहीं रहते बल्कि तीस तक तकरीबन तो देखा गया है कि पैक फॉर्म में तीस तक जो इसकी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं जिसमें स्मॉल साइज के भी ये होते हैं मतलब छोटे वाइल्ड कैंडिडेट यानी कि भगयाड़ भी होते हैं और बड़े भगयाड़ भी रहते होते हैं ठीक है आठ से बारह तो उसके अंदर छोटे उनके बच्चे होते हैं और बाकी जो है वो तीस में से आठ से बारह अगर बच्चे हैं तो बाकी सारे वो बड़े होंगे ठीक है बड़े भगयाड़ होंगे तो इस तरह फैमिली जो आप समझो सिंपली कह लें कि जो पैक ऑर्गेनाइजेशन की बात की है मैंने तो फैमिली की बात कर रही हूँ कि फैमिली मेम्बर्स कितने होते हैं तो इनकी फैमिली मेम्बर तकरीबन तीस तक होते हैं ये अकेले नहीं रहते आप कहें ज्वाइंट फैमिली होती है सिंपली आप अगर इसको मेमोराइज करें तो आप कह लें कि ये ज्वाइंट फैमिली में होते हैं और ये सेपरेट फैमिली नहीं रहती होती है देन हम फोर्थ पे बात करते हैं इसकी डाइट के बारे में कि आखिर भगयाड़ यानी कि वाइल्ड कैंडेट ये वाइल्ड डॉग्स खाते क्या हैं तो भाई इनकी डाइट होती है वेरिएबल ये ऐसा नहीं है कि बस एक चीज ही खाएंगे अगर वो चीज़ नहीं मिलेंगी तो भाई भूखी मर जाएंगे नहीं भाई ये तो सब कुछ खाते हैं अब खाने में क्या है तो मेजोरिटी देखा गया है कि ये लार्ज uh, अंग्लेट्स प्रे जो है वो खाते होते हैं भाई बड़े चलाक होते हैं इसके अलावा जो है ग्रे वुल्फ को अगर हम देखें तो ये छोटे छोटे प्रे भी जो है उनको भी खा लेते हैं जरूरी है कि बड़े प्रे ही बड़े शिकार को खाते हैं छोटे छोटे शिकारों को भी खा लेते हैं कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये गार्बेज वगैरह भी जब कुछ नहीं मिल रहा तो कहते हैं कुछ भी चलेगा तो उसमें ये गार्बेज भी खा लेते हैं ठीक है लाइफ स्टॉक जो है माल मवेशियाँ आप देखेंगे ना कहीं से भी किसी के मवेशी जो है वो चारा खा रहे हैं तो वो अचानक से गायब हो गए भाई वो गायब नहीं होते बल्कि क्या होता है भगआड़ आता है और उनको उठा के ले जाता है ठीक है जी देन हम फिथ पॉइंट पे देखेंगे इनका हैबिटाट और डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है कि ये किस हैबिटेट के अंदर रहते हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए गई कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के अंदर ग्रे वोल्फ को भगया को आ, देखा गया इसकी दो सब स्पीशीज हैं पाकिस्तान के अंदर ठीक है पाकिस्तान के अंदर इसकी दो सब स्पीशीज हैं एक का नाम है इंडियन वुल्फ और एक का नाम है टाइबिटन वोल्फ तो ये दो इंपॉर्टेंट सब स्पीशीज हैं ग्रे वुल्फ की पाकिस्तान के अंदर ठीक है जी सॉरी बच्चे जी यहाँ पे डी की जगह में डी लिखा होता है मैंने एफ की जगह तो वो मैंने करेक्ट कर लिया है अगर हम बात करते हैं इंडियन वुल्फ के बारे में तो ये कंट्री के जो साउथ में रहता है मतलब पाकिस्तान में ये साउथ पाकिस्तान के साउथ साइड के अंदर रहता है ठीक है जिसमें आ जाता है चोलिस्तान डेजर्ट और थर्ड डेजर्ट आ जाता है ठीक है तो इंडियन वल्फ तो भाई रहती है पाकिस्तान के अंदर चोलिस्तान और थर्ड डेजर्ट के अंदर तो भाई ये टाइप्टन वुल्फ कहाँ रहती है तो टेंशन ना लें ये रहती है नॉर्थ माउंटेन रीजन के अंदर ठीक है अगर उसने टैप्टन ने कहा कि अगर इंडियन भाई इंडियन वुल्फ जो है वो पाकिस्तान के साउथ में रहती है तो मैं उससे दूर रहूँगी ठीक है तो वो नॉर्थ साइड पर रहता है रहता है या फिर रहती है कुछ भी कहा जा सकता है उसके अलावा जो है ये जो बैरन रॉक्स होते हैं रोकी माउंटेन होती हैं वहाँ पर उन वहाँ पर रहते होते हैं उन वैलीज में रहते हैं गिलगित के अंदर ये वैसे बेसिकली पाकिस्तान के अंदर है हंजा वैली के अंदर है चित्राल के अंदर उसके बाद सवात के अंदर खंजराब नेशनल पार्क जो है एक मेन जगह है टैप्टन वुल्फ की पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर ये रहते हैं और जी लास्ट पॉइंट है आप स्टेटस के बारे में कि इनका स्टेटस क्या है पाकिस्तान का तो पिछले पांच सदियों से डिकेट से देखा गया है कि इनका नंबर भाई बहुत ही बुरी तरह से डिक्लाइन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि जो पाकिस्तान के लोकल आ, लोकल पीपल हैं आप कह लें जो आस के लोकल लोग रहने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं इनको मारना शुरू कर दिया क्यों भाई इनको गुस्सा आ रहा है उनको लगता है कि उनके माल मवेशी वहाँ पे चारा वगैरह खा रहे होते हैं और ये आते हैं और आके जी अपना शिकार पकड़ के ले जाते हैं तो इस उनको गुस्सा आता है लोगों को कि भाई हमारे हमारे यहाँ पे भेड़ बकरियाँ खाना खा रहे थे ठीक है तो उनको चारा खा रहे थे उनको पकड़ के ले गए तो इस गुस्से में आकर वो क्या करते हैं कि इनको नंबर जो इनका डिक्लाइन करते आ रहे हैं इनको शूट करते आ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है ये बहुत बड़ा एक झुलम हो रहा है इन पर हाँ चाहे ये माल मवेशी खा रहे हैं लेकिन वो तो इनकी खुराक है ठीक है तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इनका नंबर डिक्लाइन हो रहा है कि वहाँ के आसपास के जो लोग, लोकल लोग हैं वो इनका नंबर डिक्लाइन करते आ रहे हैं इनको शूट कर करके ठीक हो गया ओके जी फोर्थ हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट मैमल ऑफ पाकिस्तान तो लोकल नेम यहाँ पे आ जाए गोल्डन जैकल आपने गोल्डन जैकल देखा होगा आपको भी पता चल जाएगा ठीक है गोल्डन जैकल जिसका लोकल नाम जो है वो गीदड़ भी होता है आपने देखे होंगे गीदड़ तो अक्सर रात के वक्त आपको कहीं दूर से आवाज़ आती है गीदड़ की तो आप कहते हैं ये गीदड़ है चाहे आपने देखा ना हो जैसे मैंने भी आज तक कभी गीदड़ नहीं देखा लेकिन हाँ मैंने इसकी आवाज़ ज़रूर सुनी हुई है लेकिन मैंने कहा कि मैंने गिदड़ नहीं देखा हुआ इट्स डज इट डज़ नॉट मीन कि मैंने बिल्कुल देखा ही नहीं है मैंने देखा है इसको यूट्यूब पे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स पे लेकिन मैंने इसको लाइव अपने सामने आंखों के सामने नहीं देखा ठीक है तो चलिए जी डिस्कस करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में इसकी डिस्क्रिप्शन बहुत ही अमेजिंग होने वाली है आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाओ इतना भी बुरा नहीं होता ठीक है तो अगर हम देखते हैं इसकी कोट का कलर कोट कलर ये नहीं है कि ये ऊपर से कोट पहन ला गया इसको सर्दी होती है ऐसा नहीं है बल्कि कोट कलर मीनस कि इसकी फर का कलर कैसा है तो कोट का जो कलर होता है वो जो है वो वेरी करती है विद सीजन एंड रीजन कि इसका जो कोट होता है इसकी जो ऊपर फर होती है उसका वो वेरी करती है कि वो किस सीजन में है और इसको किस रीजन के अंदर किस जगह पे वो रहता है वो इधर कहाँ पे रहता है फर आ, कोरस होती है नॉट वेरी लॉन्ग यानी कि बहुत लंबी इसकी जो है बड़ी बड़ी जो इसकी बाल नहीं होते फर नहीं होती इसकी जो डोरसल साइड होती है इसकी फर की वो ब्लैक कलर की होती है काले रंग की होती है और ग्रे कलर की भी हो सकती है उसके बाद पेल गोल्डन कलर ब्राउन कलर या फिर ब्राउन लिप्ट येलो कलर भी हो सकता है इट्स मेन कि ये वेरी करती है कुछ इन कलर्स के अंदर देन सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं इसका डाइट के बारे में कि भाई ये खाता क्या है जो इतना चलाक होता है तो डाइट क्या होती है ओमनी वर्स होता है भाई ये तो सीधा सामना ओमनी बर्स है ये तो कहता है कि मैं सब कुछ खाता हूँ ठीक है इसने प्लांट्स भी खाने हैं इसने एनिमल्स भी खाने हैं तो ये सब कुछ खाएगा उसके अलावा ये फ्रूट भी खाता है इनवर्टिब्रेट्स भी खाता है रेप्टाइल्स को भी खा जाता है एम्फीबियंस को बर्ड्स को स्मॉल मैमल्स को तो भाई सिंपल वर्ड में है कि ये ओमनीबोर्ड्स है तो ये सब कुछ खाता है ठीक है आज के थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे इसका सोशल बिहेवियर का कि इसका सोशल बिहेवियर कैसा है तो मैनी एरियाज बहुत से एरियाज में देखा गया कि नोकटर्नल है नॉक्टर्नल के बारे में नॉक्टर्नल का मतलब होता है ऐसे जो सिर्फ रात को बाहर आए ठीक है ऐसे जानवर जो सिर्फ रात को बाहर आते हैं उनको बोलते हैं नोकटर्नल ठीक है और कुछ ऐसे जगह हो डाई जरनल भी होते हैं ठीक है यानी कि दिन और रात दोनों को बाहर निकलते हैं लेकिन ये डाई जरनल सिर्फ उन एरियाज के अंदर होते हैं जहां पर लोग ना हो ठीक है ऐसे एरियाज समझो ऐसे जंगलात वगैरह जंगल वगैरह जहां पर लोग नहीं होते तो वहां पर ये तो वहां पर ये डाई जरनल भी होते हैं ठीक है यानी कि दिन और रात दोनों को निकलते हैं लेकिन जिन लोग जिन जगहों पर आवाम होती हैं यानि के लोग रहते होते हैं शहरों वगैरह में अगर कहीं पर हैं तो ये वहाँ पर सिर्फ रात को निकलते हैं दिन को नहीं निकलते क्योंकि इनको खतरा होता है कि मारे न जाएं ठीक है जी फिर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट हैबिटेट के बारे में इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है तो ये पाकिस्तान का एक बहुत ही कॉमन एनिमल है बहुत ज़्यादा नंबर पर प्रेजेंट है पाकिस्तान के अंदर तो गोल्डन जैकल यानी कि सिंपल कह लूँ गीदर ठीक है तो ये ये खुले इलाकों में रहता है ओपन कंट्री में रहता है जहाँ पे लंबे लंबे दरख्त हो वहाँ पे बश ब्रशिज हों लंबा लंबा घास हो, लंब हो वहाँ पे फसलें हों तो ये उन जगह पे रहता है खुली जगह पे रहता है ये एक बंद जगह पर रह नहीं सकता ठीक है उसके अलावा सिंपली कहें तो ये जो पाकिस्तान का जो नर्द्रन एरिया है ठीक है माउंटेन रीजन है वहाँ उनके अलावा जो है वो हर जगह रहता है पाकिस्तान के अंदर दैन हम फिफ्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट मैमल ऑफ पाकिस्तान जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है वाइल्ड कैट तो वाइल्ड कैट जिसको कॉमन नेम जो है वो लेपर्ड हम कहते हैं लोकल नेम इसको सिंपली हम uh, चीता बोलते हैं गुलदार गुलदर बोलते हैं लेंडवा बोलते हैं टेंडवा या टेंडवाई गैस टेंडवाई बोलते हैं तो सिंपली जो नेम मैंने भी सुना है और आलमोस्ट नाइन्टी परसेंट लोगों ने सुना होगा तो वो चीता होगा आप कहते हैं कि ये तो चीता है हमारा चीता है ठीक है तो वो वाइल्ड कैट होती है तो देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कैसा होता है जिसको हम हर अपने फेवरेट पर्सन को कहते हैं ये तो मेरा चीता है तो वो किस तरह से चीता होता है देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में है यानी कि इसकी अपेयरेंस की वो नज़र कैसे आता है दिखने में कैसा है तो इसकी भाई बहुत ही लंबी डार्क जो है एक टेल होती है दुम होती है उसके बाद इसको ईजिली रिकोग्नाइज किया जा सकता है ठीक है इसकी जो क्यों क्योंकि इसका जो कोट का कलर होता है पैटर्न होता है वो रोजेट पैटर्न होता है ठीक है उसके आप इसको आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं कि भाई ये तो चीता जा रहा है यानी कि वाइल्ड कैट जा रही है उसके अलावा इसका जो साइज होता है वो डिपेंड करता है कि इसकी सब स्पीशी ये कौन सी सब स्पीशी है और इसकी लोकेशन क्या है ये कहाँ का रहने वाला है ठीक हो गया देन हम बात करते हैं कि ये वैसे नॉर्मली इसको देखा गया इसकी लेंथ तो फाइव फीट लेंथ इसकी देखी गई है एडिशनल टेल लेंथ अगर हम देखें तो वो तीन फीट की होती है यानी कि फिर पाँच प्लस तीन इक्वल टू एट एट फीट लेंथ इसकी नॉर्मली होती है जिसमें से पाँच फीट इसकी बॉडी और तीन फीट इसकी टेल की लेंथ होती है उसके बाद इसको ब्लैक लेपर्ड कहते हैं कॉमनली जिसको हम सिंपली कहें कि ब्लैक पैंथर्स भी हम इसको कहते हैं इसका नेम दिया गया है जनरली ये नोकटर्नल होते हैं यानी कि रात को ही सिर्फ निकलते हैं और वर्सेटाइल हंटर होते हैं ठीक है यानी कि बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल शिकार करते हैं फिर हम बात करते हैं इसके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि ये किन जगहों पर रहता है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है तो हैबिटेट देखें तो ये कॉमनली पाकिस्तान के अंदर हिमालय माउंटेन जो है पहाड़ जो हैं वहाँ पर देखा गया है वहाँ पर प्रेजेंट होता है उसके अलावा कुछ ब्रोकन एरिड माउंटेन कंट्री जो हैं कंट्री के अंदर जो माउंटेन रीजन हैं वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होता है चीता पाकिस्तान में जो बलोचिस्तान और सिंध के जो हाई लैंडस हैं वहां पर भी चीता को देखा गया है वहां पर भी चीता प्रेजेंट होता है माउंटेन जो फ्रेस्ट है पंजाब के कश्मीर और एन एफ पी जो है वहां पर भी ये चीता जो है प्रेजेंट होता है उसके अलावा मरी हिल्स सवात कोहिस्तान दर चित्राल और लोअर गिलगित में भी चीता वाइल्ड कैट रहता है देन हम लास्ट में बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टेटस तो पाकिस्तान के अंदर टोटल पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान के अंदर इसकी चीता की वो अननोन है मतलब पता ही नहीं है कि कितनी है क्योंकि ये बहुत दूर दूर जगहों पे रहता है तो इसका नंबर को अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है क्योंकि क्योंकि ये बहुत सारे एरियाज़ के अंदर रहता है दैट्स वाई इसका पॉपुलेशन का नंबर जो है वो अभी तक अननोन है वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि वो ज्यादा है या फिर कम है सो दैट वॉज ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है इंपॉर्टेंट मैंबर्स ऑफ पाकिस्तान और ये वो पांच मेम्बर्स है जिनको हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है जिसमें दो इंपॉर्टेंट मैमल्स मैंने फर्स्ट टू मैमल्स डिस्कस किए हैं उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अल्लाह फीमान